अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? अच्छा रहा? अर्शद, बताएं, वहाँ पे सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, स्पेशली मेरी ज्वेलरी की, मेरे कपड़ों की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था। भाई तारीफ क्यों ना करते, तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है, तारीफ के काबिल, लोग तो करेंगे ना तारीफ। खाना खाया आपने? हाँ, दोस्तों के साथ खाना खाकर आया, लेकिन अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। इस वक्त चाय? अर्शद, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आप एक काम करें, आप भी चेंज करें और चुप करके सो जाएं। प्रॉमिस, सुबह नाश्ते में चाय। ये ठीक है? ये क्या अर्शद, ये हार है जो आपने? ये तुमने क्यों पहना? मैंने तुमसे मना किया था ना कि जब तक मैं ना कहूँ ये हार मत पहनना, तो तुमने पहन लिया। अर्शद, आप भी कमाल करते, शादी में गई थी खाली गला खाली हाथ लेकर जाती। अरे अफशान में तो गई थी खाली हाथ खाली गला। मैं अफशान नहीं हूँ, और वैसे भी ये हार गले की जीनत होता है, अलमारी की नहीं। और अगर अलमारी में ही रखना था तो मुझे ला कर क्यों दिया आपने? अस्मा, तुम मालूम कि घर वाले इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो, और उस पर तुम ये हार पहन कर उनके सामने जाओ, क्या सोचो, क्या गुजरेगी उनको? अच्छा, ओके, अब समझी मैं। मतलब अम्मी को ये हार मेरे गले में एक आंख नहीं आया, इसलिए वो बीमारी का बहाना करके शादी में गई ही नहीं। वाह वाह अर्शद, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं किसी की वजह से अपने मन को नहीं मारूंगी, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी, किसी को बुरा लगता है तो लगे, पकड़े अपना हार। तो कोई बात ही करना फजूल है, पागल औरत।